आज की वीडियो उन नॉर्मल यूजर के लिए है जो फोन तो यूज करते हैं मगर उनको फोन का बैक कवर खोलना नहीं आता। और कई बार है ना दुकान वाला ऐसा डरा देता है कि भाई आपका बैक कवर है ना मशीन में जाके खुलता है, ऐसे नहीं खुलेगा। तो कई फोन ऐसे होते हैं जैसे ओप्पो A53 हो गया, A96 हो गया और कई तरह के मॉडल ऐसे आते हैं ओप्पो वीवो में जिनका बैक कवर खोलना आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है। और एक बार आपने बैक कवर खोल लिया ना तो फिर काफी सारी चीजें है ना आप अपने आप खुद से ठीक कर सकते हो। देखो आपको ना प्लास्टिक की पन्नी ले लेनी है और पहले ये आपको कन्फर्म कर लेना है कि पीछे का बैक गिलास है या प्लास्टिक का है, पॉलीकार्बोनेट कवर है, तो ये आपको कंफर्म करना है ये प्लास्टिक है। ओप्पो A53 में देखिए इसे खोलना बताता हूँ इजी तरीके, ये कोई मशीन में डालने की जरूरत नहीं होती, दुकान वाले आपको डराते हैं। इसको खोलने के बाद आप इसका जैक भी साफ कर सकते हो, इसका रिंगर भी साफ कर सकते हो, इसका हेडफोन का जैक भी क्लीन कर सकते हो इस बैक कवर को खोलने के बाद, क्योंकि कंपनी वाले इसे सील करके देते हैं। देखिए आपको कहीं से भी है ना ये पन्नी इंटर करनी है इसके बैक साइड में। अब इस पे है ना आपके पास पेट्रोल हो तो पेट्रोल का यूज़ कर लेना, बहुत इजी है। पेट्रोल या मिट्टी का तेल हल्का सा इस पे डाल लेना है, इसके बाद एक बूंद डालेंगे तो देखिए अब ये पन्नी आराम से अंदर चली जाएगी। बस फिर इसको ना काटते रहिए, एक सील होगी जो कटती चली जाएगी और पेट्रोल या मिट्टी के तेल की मदद से ही सही कटेगी वो, है ना। और जितनी मैं पन्नी डाल रहा हूँ ना सिर्फ इतनी डालना, इससे ज़्यादा अंदर मत डालना, आगे पत्ते भी होते हैं या बीच में, बस थोड़ी थोड़ी जितनी मैंने डाली देखो इतनी सी डाली, बस इतनी बहुत है। और आप इस तरीके से हल्का हल्का, जोर लगेगा ज़्यादा लगेगा भी नहीं, आप थोड़ा सा और डाल लेते हैं इसमें। और थोड़ा पेशेंस रखना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती मत करना, आराम से खुल जाएगा हल्का हल्का। पेट्रोल लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा ये मैं आपको पहले बता देता हूँ ना। एक बार आप बैक कवर खोल लोगे ना इसका तो फिर आराम से आप उसे लगा भी दोगे। खोलने के तो नखरे होते हैं दुकान वालों के, बहुत सारे बंदे पता है दुकान वाले सीधा ये बोलते हैं भाई खोल ले तेरे से खुलता हो तो आपका भाई आपको खोलना सिखा रहा है मोबाइल, देखो ऐसे खोलना है, टेंशन मत लेना कुछ भी। ये मैं बताऊँ पहले भी है ना ये खुल चुका है, रिपेयर हो चुका है, इसीलिए किसी ने ज़्यादा पेस्ट इसमें डाल दिया, इतना टाइम लग भी रहा है, नहीं तो आप अगर खोलोगे ना आपका फ्रेश मोबाइल होगा तो और ईजी खुलेगा। इस तरीके से इसका बैक कवर खुलता है, अब इसको आप पूरा खोल लीजिए। ये फ़ोन में है ना सिर्फ खोलना सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बंदे ना खोलने की वजह से ही हट जाते हैं पीछे के, यार मैं नहीं कर पाऊँगा। प्लस वाला स्क्रू ड्राइवर ख़रीद लीजिए, ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में एंड्रॉयड जितने भी मोबाइल हैं उनमें सब में प्लस वाले स्क्रू ड्राइवर लगते हैं। और जैसे कि सैमसंग या मोटरोला हो गया, इन दोनों में आपको T6 T5 ऐसे लगते हैं, वो अलग होते हैं। और आईफोन में भी, आईफोन 7 में अलग है, आईफोन 6 तक तो प्लस ही काम कर जाएगा आपका, उसके बाद फिर वो तीन मुँह वाले पेज कसाने लगे हैं ट्राइंगल वाले। सिम ट्रे याद करके निकाल लेना क्योंकि बैक पैनल अगर हमें बाहर निकालना है तो सिम ट्रे निकालनी पड़ेगी हमको। दोस्तों कितना इजी होता है मोबाइल फ़ोन खोलना और आपको डरा दिया जाता है कि यार बहुत मुश्किल है, दुकान वाला ही खोल पाएगा। और फिर ये खोलने के है ना फिर छोटा सा काम करने के भी आपसे 400-500 रुपये कोई ले लेता है, तो आप इतना तो कर सकते हैं। आपको एक बात जान के हैरानी होगी, जो फॉरेनर्स होते हैं ना ये अपना फ़ोन खुद ही ठीक कर लेते हैं, कम लोगों को पता होगा। क्योंकि हम दुकान पे जब बैठते हैं ना हमारे पास काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं, अम्बेसी हमारे आसपास में ही है दिल्ली में, जिस जगह मैं हूँ उसके आसपास में अम्बेसी है सारी कंट्री की, पूरा प्रॉपर एड्रेस तो मैं नहीं बताऊँगा आपको वरना फिर आप मेरे पास पहुँचने की कोशिश करोगे ना। देखो इस तरीके से इसका बैक कवर खुल जाता है आराम से। इसकी बैटरी निकालनी बताऊँ आपको, काला वाला जो पत्ता है ना ये आपको ऐसे निकालना है, उसके बाद ये ग्रीन वाली पन्नी है इसको पकड़ो, ये जो नीचे वाली जो टेप है इसको ऐसे दबा लीजिए और ग्रीन पन्नी को उठाना है आपको, देखो बैटरी निकल के आ जाएगी। ये देखिए ये बैटरी इसकी निकल चुकी है। और ये अगर टेढ़ी मेढ़ी हो भी जाए ना को बिल्कुल सीधी भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल बैटरी होती है, लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी होती है, आराम से सीधी भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे, ठीक है। और कुछ फटेगा वटेगा नहीं, डरना मत किसी भी चीज़ से। और इसमें बस कुछ बैटरी में कुछ वो मत लगाना, पिन वगैरह कुछ चिमटे वगैरह से मत उठाना, नहीं तो बैटरी में आग भी लग सकती है ना। अब इसका ये देखो डिस्प्ले का पत्ता ऐसे निकलेगा और ये डिस्प्ले बाहर आ गई है ना, डिस्प्ले हम चेंज करेंगे बस इसकी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि पेस्टेड बैक कवर होता है वो कैसे निकालना होता है, बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी मुश्किल आए तो अपने भाई को याद कीजिएगा, एक बार कमेंट कर देना, मैं आपके लिए सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आप अच्छी लगी हो तो बने रहिएगा चैनल पर। मैं आपको करना क्या है, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।